बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट शालीन भानोड की पहली पत्नी ने दूसरी शादी करेंगे इस दिन। एक्ट्रेस ने किया ये बड़ा खुलासा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर दलजीत कौर की वेडिंग की डेट कौन सी होगी, आखिर क्या कुछ कहा है दलजीत कौर ने अपने दूसरे हस्बैंड को लेके, किस दिन होगी इनकी दूसरी शादी। तो फिर इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दलजीत कौर जो कि शालीन भानोड की पहली पत्नी रही हैं, डिवोर्स के बाद दोनों ही अलग हो गए और अब दलजीत कौर ने 3 जनवरी को जहाँ पर सगाई की थी निखिल पटेल जो कि एक फॉरेनर हैं, अब एक्ट्रेस की शादी की कुछ नई अपडेट सामने आई है जिनमें उनकी वेडिंग की डेट सामने आई है। एक्ट्रेस ने इस दिन 7 फेरे लेने का किया है ये बड़ा खुलासा। एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले ही यूके बेस्ड निखिल पटेल से शादी करने का बड़ा खुलासा किया था। अब इस कपल की शादी की तारीख का भी खुलासा हो गया है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये कपल इस महीने 18 मार्च को शादी करने जा रहे हैं, वहीं 17 मार्च को इनकी प्री वेडिंग सेरेमनी होगी। खबरों के मुताबिक एक्ट्रेस के दोस्त उनके बड़े दिन के लिए स्पेशल परफॉर्मेंस योजना बना रहे हैं। इसके अलावा दलजीत कौर के होने वाले दूसरे पति निखिल पटेल पहले से ही तलाकशुदा हैं, उनकी 2 बेटियां भी हैं। दलजीत कौर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें दुबई के एक इवेंट के दौरान निखिल से प्यार हो गया था। निखिल के नाखून में बेटियों के द्वारा लगाए गए नेल पेंट को देखकर दलजीत इम्प्रेस हो गई थी। वहीं एक्ट्रेस का भी 9 साल का एक बेटा है जिसका नाम जॉर्डन है। इसके अलावा एक्ट्रेस ने यह बड़ा खुलासा किया है कि निखिल से पहले वो कई शख्स से मिली लेकिन उनके बेटे को निखिल के साथ मिलकर एक पिता जैसी वाइब मिली और उसने निखिल को पापा कहकर बुलाया था। बता दें शादी के बाद दलजीत कौर अफ्रीका शिफ्ट होने वाली हैं जहां निखिल अपने फैमिली के साथ रहते हैं। शालीन भानोट से हुई थी पहली शादी। दलजीत कौर ने साल 2009 में शालीन भानोट से शादी की थी। दोनों की शादी महज 6 महीने तक चली। 2015 में उनका तलाक हो गया था। दलजीत ने शालीन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था तो पहली शादी टूटने के 8 साल बाद एक बार फिर दलजीत कौर को प्यार हुआ और अब वो शादी के मौके तलाश रही हैं। तो ये है बड़ी अपडेट शालीन भानोट की पहली पत्नी को लेके। आपकी क्या है राय हमें दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।